क्या कभी आपने ऐसा डैम देखा है जिसके पास ही बहुत बड़ा होल है जिसमें गिरने से बहुत सारे लोगों की मौत वाकया हुई है। वर्ल्ड में एक ऐसा डैम भी है जो पूरे रिवर के पानी को कंट्रोल करता है और वो सारे का सारा डैम सिर्फ कच्ची मिट्टी से ही बना हुआ है और उस डैम की मिट्टी ऐसा ऐसा पानी में घुलती जा रही है। ऐसे मोस्ट डेंजरस डैम के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1, जंपिंग डैम चाइना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डैम चाइना में है। चाइना को डैम कंट्री भी कहा जाता है। चाइना में ऑलमोस्ट 87,000 डैम है। जंपिंग डैम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम को $4 बिलियन खर्च करके बनाया गया है। इस डैम की हाइट 1001 फीट है और इसकी लंबाई 568 मीटर है। ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन 0.01 माइक्रोसेकंड स्लो हो गई है। इस डैम को साउथ ईस्ट एशिया के सबसे लॉन्ग रिवर पर बनाया गया है। उस रिवर का नाम यूर लॉन्ग रिवर है जो दुनिया की कई बड़ी कंट्री से होकर गुजरता है। ये डैम इतना बड़ा है कि इससे 60 मिलियन लोगों की जिंदगी का गुजर बसर होता है। चाइना की ज्यादातर बिजली इस डैम से ही पैदा की जाती है। ये डैम जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। इंजीनियर इस डैम की मजबूती को लेकर कई सवाल खड़े करते रहते हैं। उन इंजीनियर्स का कहना है कि ये डैम एक बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे इतनी तबाही होगी कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नंबर 2, हूवर डैम यूएसए। ये डैम यूएसए का सबसे ऊंचा डैम है। इस डैम को कोलोराडो डैम भी कहा जाता है। ये डैम ऊपर से देखने पर आपको जितना पतला लग रहा है उतना पतला ये डैम नीचे से नहीं है। ये डैम नीचे से 656 फीट चौड़ा और ऊपर से इसे सिर्फ 46 फीट ही चौड़ा बनाया गया है। ये डैम 726 फीट ऊंचा है। ये डैम इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो, अगर ये डैम टूटा तो कोई हजार या लाख लोगों की जाने नहीं जाएंगी बल्कि करोड़ों लोगों की जाने जाएंगी। इस डैम को कई मूवीज में टूटता हुआ दिखाया जा चुका है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हो। नंबर 3, मोसल डैम इराक। ये डैम आपको देखने में छोटा लग रहा होगा मगर ये डैम दुनिया का खतरनाक तरीन डैम है। सारे डैम्स को कंक्रीट से बनाया जाता है मगर ये डैम सिर्फ कच्ची मिट्टी से ही बना हुआ है और इसकी मिट्टी दिन ब दिन लहरों के साथ कटती जा रही है। इसलिए ये डैम इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये कभी भी टूट सकता है। मगर इस डैम पर 24 घंटे रिपेयरिंग का काम होता रहता है। इस डैम को 1986 में ग्रेट लीडर सद्दाम हुसैन के टाइम पर बनाया गया था। नंबर 4, कोंट्रल डैम स्विट्जरलैंड। ये डैम स्विट्जरलैंड के मोस्ट फेमस डैमों में से एक है। ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी हाइट 220 मीटर है और ये डैम 380 मीटर लंबा है। इस डैम पर स्टैंड भी लगाया गया है जिस पर स्टैंड मैन आकर स्टैंड भी करते हैं। ये डैम 1965 में कंप्लीट हुआ था। ये डैम इतने ज्यादा पानी को होल्ड किए हुए है, अगर डैम के किसी भी हिस्से में कोई भी खराबी आती है तो ये पूरा डैम टूट जाएगा और डैम के टूटने के बाद जो तबाही होगी इसके अंदाजे के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नंबर 5, मोली सैलो डैम यूएसए। ये डैम दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल डैम की लिस्ट में भी आता है जिसको हजारों लोग देखने आते हैं। इस डैम में जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है वो है ये कलोरी होल जो देखने में आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा लेकिन ये होल एक तरह से मौत का होल भी है। इस होल में गिरने से कई सारे लोगों की जाने गई हैं जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस होल में आज तक जो भी गिरा है वो जिंदा नहीं बच पाया। इस होल के नीचे टर्बाइन्स लगी हुई हैं जिसे बिजली पैदा की जाती है। इस डैम को 1953 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 1957 में बनकर कम्प्लीट हुआ था। इस डैम की हाइट 304 फीट और लंबाई 1023 फीट है। ये डैम हर साल 5,68,00,000 किलोवाट से भी ज्यादा की बिजली बनाता है। आपको इन डैमों में से कौन सा डैम सबसे ज्यादा खतरनाक लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।